गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट मैथ्स। टुडे आई विल टीच एक्सरसाइज 4B। नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट नंबर 5, 3 × 5 × 4 = blank। तो इसमें आपको प्रोडक्ट इसका फाइंड करना है। 3 × 5 = 15, 15 × 4 = 60, या आप दूसरे रूप में 4 × 5 = 20, 23 = 60। दिस आंसर पार्ट नंबर बी, 4 × 3 × 5 = तो दिस 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60, या 4 × 3 = 12, और 12 × 5 = 60। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, 5 × 4 × 3, तो दिस 5 × 4 = 20, 23 = 60। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी, 6 × 8 × 5, 5 × 8 = 40, और 46 = 240। दिस इज आंसर। नेक्स्ट नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर ए पार्ट, 15 × 0 = blank। When we multiply a number by 0, then the product will be a 0. जब हम किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर उसका 0 आता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी, 11 × 1, तो दिस 11 बन जा 11। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, ब्लैंक मल्टीप्लाई 6 × 6 × 10। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ब्लैंक मल्टीप्लाई 6 = सेकंड पार्ट 6 × 10। तो इसमें आपका ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो 6 दोनों साइड में सेम आ गया, बचा क्या 10। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी, 7 × 5 × 6 = 5 × 6 × blank। तो आप देख रहे हैं इसमें भी 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में 5 इज सेम, नेक्स्ट 6 इज सेम, तो आपका कौन सा नंबर बचा है 7, तो बी राइट 7। एक्सरसाइज इज फिनिश। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4C, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट पार्ट नंबर ए, 32 × 20, पार्ट नंबर बी, 23 × 50, पार्ट नंबर सी, 82 × 10, पार्ट नंबर डी, 18 × 30, पार्ट नंबर ई, 41 × 60, पार्ट नंबर एफ, 65 × 40। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, पार्ट नंबर ये देखिएगा 0 इज सेम, अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। दिस इज आंसर। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर बी सी डी ई एफ होमवर्क टेस्ट।